कहानी सातवीं। परमेश्वर याकूबा जो आशीष दिया। जब से बच्चे बड़े हुए तब याकूबा जो घरे रहना ठीक लग्या, पर ऐसावा जो जानवरा रा शिकार करना ठीक लग्या। रिबका याकूबा कने ज्यादा प्यार करा थी, पर इसहाका ने ऐसावा कने ज्यादा प्यार कित्या। एक दिन जब ऐसाव शिकार करके वापस आया तब से बड़ा भूखा था। ऐसावा ने याकूबा कने बोलिया, जो ते पकायरा तीते ते थोड़ा जा मिंजो भी दे दे। याकूबा ने बोलिया, पहले माँ कने वादा कर कि बड़ा होने रे खतर जो चीजा तिजो मिलाइया से तू मिंजो देंगा। ऐसावा ने से सब देने रा वादा करता। तब याकूबा ने तिसो खाना दित्या। इस हक ऐसावा जो आशीष देना चाह था, पर इतने पहले की से एड़ा करदा रिबका और याकूबा ने ऐसावा कने धोखा किया और याकूब ने ऐसावा होने रा ढोंग किया। इस हाक बुढ़ा था और देख ही नहीं सकता था। इत्ते खतर याकूबा ने ऐसावा रे कपड़े पहने और बकरिया री खाल अपने हाथ और गले च लपेटी ली। याकूब इस हक्का के आया और बोलिया, मैं ऐसाव हूँ, आऊ इत्ते खतर आयरा भी तू मिंजो आशीष दे। जब इस हक्का ने बकरिया रे बाल छुए और तिसो सूंघया तब तिने सोचा कि ऐसावा, तब तिसो आशीष दीती। ऐसावा ने याकूबा कने नफरत कीती। तीने तीसरे बड़े होने रा हक और आशीष जो धोखे कने चुराई ले था। तब ऐसावा ने अपने पिता रे मरने रे बाद याकूबा जो मारने री तरकीब बनाई, पर रिबका ने ऐसावा री योजना सुनी ली। इत्ते खतर इसहाका ने याकूबा जो अपने रिश्तेदार अगे दूर भेजीदा। याकूब बहुत साला तक रिबका रे रिश्तेदार कने रहा। तीस समय तिने ब्याह भी कित्या और 12 छोकरू और एक छोटी जो पैदा किता। परमेश्वर ने तिस जो बहुत अमीर बनाया। 20 साल तक कनान देश से अपने परिवार से दूर रहने के बाद याकूब अपना परिवार नौकर और जानवर जो लेके साथी वापस आया। याकूब इतने खतर बहुत डरी रहा था कि ऐसाव अबू भी तिसो मारना चाह। इतने खतर तिने बहुत सारे जानवर ऐसावा गए तोहफे रे रूप च भेजे। जो नौकर तिना लेके गए तिने बोलिया, तेरा दास याकूब इना जानवर जो तिजो दया से छोड़ी आने लगीरा। पर ऐसाव अब याकूबा जो नहीं मारना चाह था से तो तिसो फिर देखी के बहुत खुश था। तिते बाद याकूब कनान देशा च बहुत सुखा कने रहा। तब इसहाक मर गया और याकूब और ऐसाव ने तिसो मिट्टी दीती। वादे री कसमा जो परमेश्वरा ने अब्राहमा कने कीती थी से अब इसहाका ते याकूबा पर आएगी।